नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है और हम उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। हम आज बात करेंगे टाटा कंपनी के प्रोडक्ट धानिया के बारे में, जो कि DMH 8255 और 8255 गोल्ड। ये देखिए आप, इन दोनों के बारे में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। इनमें क्या डिफरेंस है 8255 और 8255 गोल्ड में, पैदावार कैसी है, सारी जानकारी दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलो शुरू करते हैं। यह धानिया कंपनी की DMH 8255 को राजस्थान के अंदर महानायक की उपाधि मिली है। ये उपाधि किस लिए मिली है, क्योंकि ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है, इसलिए इसे ये उपाधि दी गई है। इसके अंतर्गत क्या खासियत है जो इसको महानायक की उपाधि मिली है और इसकी ज़्यादा सेल क्यों होती है, तो चलो बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये मक्का ज़्यादा पानी में भी गलता नहीं है, और दलदल इलाकों में भी होगा तो ये पैदावारी भी एक नंबर की देगी। और अब बात करते हैं कि इसकी जड़ें का विकास कैसे होगा। इसको जड़ों का विकास दूसरी मक्कियों के मुकाबले इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा विकसित होगी, जिससे पौधा एकदम ग्रोथ करेगा और फल भुट्टा भी अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं कि कम पानी में क्या समस्या हो सकती है इसमें। तो जब बारिश, यदि कम पानी की समस्या जिस इलाकों में होती है, यदि पानी बारिश कम होती है तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा पैदावारी में। अब बात करते हैं तो पैदावारी कितनी होगी इसकी। यदि काली जमीन है, जी हाँ, यदि काली जमीन है तो पैदावारी इसकी आप समझिए बम्पर पैदावारी होगी, समझिए 16-17 बोरी पैदावारी होती है काली। और यदि इसके अंतर्गत आपको पर्याप्त मात्रा में खाद डालना होगा तभी पैदावारी होती है, बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता है उसी प्रकार। और यदि लाल मिट्टी होगी, लाल मिट्टी में इसकी पैदावारी थोड़ा रहेगा डाउन, क्योंकि लाल मिट्टी के लिए इनका एक प्रोडक्ट आता है, एक और वो आता है 1107, वो लाल मिट्टी के लिए उपयुक्त प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप इसका उपयोग आप काली मिट्टी में करो और लाल मिट्टी में करो, पैदावारी आपको 15 बोरी तो रहेगी एवरेज, ठीक है ना। अब बात करते हैं DMH 8255 नॉर्मल है और एक DMH 8255 गोल्ड, क्या डिफरेंस है। इसमें यह डिफरेंस है कि यह प्रोडक्ट में क्या है कि इसको बहुत से केमिकल्स से ट्रीटेड किया गया है, जो कि अंकुरण में कोई समस्या ना हो। जैसे कोई भी अपन मक्का लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि 95% जर्मिनेशन अंकुरण होता है बीज, और 5% जर्मिनेशन नहीं होता है। तो इसमें ऐसा सीड ट्रीटमेंट किया गया है जो कि 99% ये अंकुरण हो जाए। और इसकी एक खासियत यह है कि इसका डुंडा पतला रहता है और दाने पूरे ऊपर तक भरे रहते हैं, जो कि पैदावारी को बढ़ाता है। डुंडा हल्का होता है, जिससे क्या है कि पूरे डुंडे पर दाने ऊपर तक होते हैं, जिसे पैदावारी में फर्क पड़ता है। यदि आपने इसका इस्तेमाल किया है हमें तो कमेंट में बताएं, और आपके यहाँ किस कीमत पर मिल रही है यह प्रोडक्ट वो भी हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपने इसका इस्तेमाल किया है तो हमें ज़रूर बताएं, और अन्य किसान भाइयों को बताएं। पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।